पाए, अगर स्कूल और विश्वविद्यालय नहीं बचा पाए तो अचानक कोई पाखंडी आएगा और आपको पाखंड में उठा ले जाएगा और कहेगा हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप हमको वोट दे दीजिए। तो कोई हमारे देखो मध्य प्रदेश के लोगों, मध्य प्रदेश में कोई फेक मामा अगर मुख्यमंत्री बन के बैठ जाए तो उसको पहचान लेना कि 20 साल में उस मामा ने, मुख्यमंत्री ने किसको मामा बनाया है। और ऐसे मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकने का काम आपको करना होगा, क्योंकि क्योंकि वो मामा जिस सरकार और जिस विचारधारा से इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, जो एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करने वाले प्रदेश को हमारे सामने रखा, वो मामा उस पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट है जिसके लोगों ने मणिपुर में हमारी माताओं और बहनों को नंगा करके घुमा दिया, इसलिए हम इसकी कुर्सी को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। ये मणिपुर में जब हमारे घर की माताएं और बहने नंगी करके घुमाई गई तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री को उस रात को रोना आया होगा कि चैन से सोया होगा? आप बताओ, उसने एक बयान दिया क्या? मणिपुर में आग लगी है और हमारे लोगों को मारा जा रहा है और यार देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने अपनी चमका रहा है चेहरा ताकि अगले चुनाव में जीत जाए। कब पहचानेंगे आप कि आज भी भारत की आजादी के बाद 75 साल बाद कैसे हिम्मत हो गई एक सामंतवादी की कि हमारे लोगों के चेहरे पर पेशाब करे और मणिपुर में हमारी माताओं को नंगा घुमाए? यही इसलिए हुआ क्योंकि हमारे आपके बीच के लोग उनके साथ खड़े हैं। अगर अपने लोगों को हम वहां से इधर बुला ले आए तो देखो भील प्रदेश क्या ये पूरा भारत SC ST OBC के लोगों का भारत बन जाएगा और कोई आपके बच्चों को गुलाम करने वाला नहीं है। पहचानिए इस मामा को जो उस पॉलिटिकल पार्टी का मामा है जिस पॉलिटिकल पार्टी का नेता लोग कहता है कि अगर 2024 में हम जीत गए तो इस देश का संविधान बदल देंगे और इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बताओ आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या? आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या? नहीं दादा, आप नहीं देंगे। अरे पहचान लो, चाहे मामा हो चाहे भूखा, इस बार ऐसी बिराई करो कि संविधान बदलने वालों की कुर्सी ही बदल जाए। ये मामा इस भरम में है कि आदिवासी उसे अपना मामा मानेंगे। अरे मामा, आदिवासियों के देखो कितने मामा हैं, टंटिया भील मामा और मामा बालेश्वर दयाल, हमें ओरिजिनल मामा चाहिए, हमें कोई फेक मामा यहाँ पर नहीं चाहिए। इसका संकल्प लेकर के यहाँ से जाइएगा। और मैं जाते जाते गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, आदिवासी मूल निवासी है, आज तक इस देश का प्रधानमंत्री कोई आदिवासी क्यों नहीं बना? आपको फरमाया जाता है कि देखो हमने पहली महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, हम सम्मान करते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग हैं, हम सम्मान करते हैं कि हाँ पहली बार इस देश में कोई राष्ट्रपति आदिवासी महिला बनी है। लेकिन हम उस दिन अफसोस करते हैं, रोते हैं जब मणिपुर पर हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति महोदया की भी जबान नहीं खुलती है, तब हम सोचते हैं कि हमें ऐसा आदिवासी, ऐसा दलित, ऐसा पिछड़ा नहीं चाहिए जो संविधान विरोधियों के खामोश हो जाए और चुपचाप हमारे लोगों को अन्याय और अत्याचार होता हुआ देखे। क्या आपको ऐसा लोग चाहिए क्या? भाई आपके टिकट पर कितनी सीटें आरक्षित हैं आदिवासियों की? और जितने लोग जा रहे हैं एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में जितना आपको हक चाहिए उतना मिला क्या? नहीं मिला। इस देश के ओबीसी को भी मैं जाकर समझाता हूँ और फिर इसे मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिन में आने वाला हूँ, और मैं जरा ओबीसी लोगों से भी आपके मंच पर बस बता रहा हूँ, जैसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं वैसे मैं ओबीसी के बीच जाकर के ये कहूंगा कि इस देश का मूल निवासी आदिवासी अपने तमाम संगठनों को एक करके जब इस देश में लड़ाई लड़ता है कि हमें बिकाऊ लोग नहीं चाहिए, हमें टिकाऊ लोग, तो ओबीसी है आज तक 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं दिलवा पाया, तो ये किस बात का ओबीसी है? अरे ये हिंदू बन जाता है जब वोट लेना होता है। इसलिए मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बात मेरी आदिवासियों, कागज दिखाओ तब तुमको सड़क देंगे। आदिवासियों कागज दिखाओ, हम तो कह रहे हैं अरे प्रधानमंत्री तुम पहले अपनी डिग्री दिखाओ कि किस विषय में तुम पास हुए थे।
अपनी डिग्री तुम नहीं दिखाते और इस देश के मूल निवासी, इस देश के आदिवासी लोगों से कहते हो कागज दिखाओ। प्रोफेसर जितेंद्र मीणा बैठे हुए हैं, आनंद राय जी बैठे हुए हैं, हम तो सीखते हैं अपने आदिवासी लोगों से कि जब वन अधिकार अधिनियम में 2019 में छेड़खानी हुई तो दिल्ली में हमने एक नारा लगाया, एक तीर एक कमान, निवासी एक समान। और उससे 56 इंच का शेर झुक गया और उसको भी वहां पर वो अधिकार रोकना पड़ा है। ये आपकी ताकत है भाई, आपके तीर में इतनी ताकत थी कि जब दिकुओं को विदेशियों को भगा दिया तो इस देश वालों को क्यों नहीं भगा पा रहे सत्ता की कुर्सी से। अपने लोगों को चुनिए, जो ईमानदार लोग हैं उनको चुनिएगा। मौसम चुनाव का आता है तो हर व्यक्ति पीला गमछा पहन लेगा तो वो आपका हितैषी नहीं होगा, याद रखिएगा। पहचानिएगा जो आपके मुद्दे पर चुनाव लड़े, पहचानिएगा जिसने लोकसभा विधानसभा और जिला परिषद में आपकी लड़ाई लड़ी है, पहचानिए कि कौन जेल में भेजा है हमारे साथी आनंद राय को, पहचानिए कि हमारे तमाम आदिवासी साथियों पर NSA लगाकर जेल में कौन भेज रहा है, पहचानिए कि आपका हक अधिकार कौन नहीं छीना जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो दिल्ली में बैठे लोग है ना, ये बहुत जालिम लोग हैं, ये पूंजीपतियों को आपकी जमीन बेच रहे हैं, पूंजीपतियों को सरकारी शिक्षा बेच रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथों में पूरा देश बेच रहे हैं और हमको और आपको कहते हैं कि हम तुमको 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं। बताइए 5 किलो अनाज चाहिए क्या? अरे पुराने लोगों एक बात बताओ, हमारे पुराने लोग जानते होंगे अगर घर में 1 रुपया बचाने की स्थिति होती थी तो हम अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाने भेजते थे कि नहीं भेजते थे? हमारे घर में अगर 1 रुपया बचता था तो हम शिक्षा देने भेजते थे ताकि शिक्षित हो जाएगा तो हमारा बेटा बेटी पढ़कर हमारी पीढ़ियों के दर्द को दूर कर देगा। हमने जगह जमीन गिरवी रख करके शिक्षा पाई तब हम यहाँ खड़े हैं और हमारे लोग जगह जमीन को गिरवी देख रहे हैं, शिक्षा को गिरवी रख दिए हैं। 5 किलो अनाज 500 रुपया बैठ दिया जा रहा। मैं ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये वैचारिक मंच है और हम विचारधारा के लोग, आपने सम्मान किया हम इस पीले गमछे को। मैं पिछले दिनों 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ गया हुआ था, आदिवासी समाज के लोगों ने पीले गमछे को मेरे सर पर बांधा और एक बात कही कि जानते हैं प्रोफेसर साहब, ये केवल गमछा कपड़े का टुकड़ा नहीं है, हम जिसके सर पर बांधते हैं उसको एक जिम्मेदारी सौंपते हैं कि हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं तो तुम जहां भी रहना हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई को लड़ते रहना। मैं उनसे भी वादा करके आया और आपसे भी एक वादा करके जा रहा हूँ, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम हमारे बहुत बड़े महानायक यहाँ पर हुए हैं। मैंने जब कहानी सुनी पहले तो दयाल जी की, कैसे कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे देश और दुनिया को समाजवादी आंदोलन में जोड़ना सिखाया, कैसे कंटे हमारे लड़ाई लड़ी, तो हम तो कुछ नहीं लड़ रहे। लेकिन ये जो आपने सम्मान दिया है, ये सम्मान को अपने माथे पर लेकर जा रहे हैं, जब भी दिल्ली में बोलने का मौका मिलेगा हम ये बात कहेंगे कि देश के आदिवासी को जो भी उसके जल जंगल जमीन छेड़ने का काम करेगा, उनकी पहचान पर हमला करेगा, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे और अपने आदिवासियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। तो इस बात का वादा आपसे करके जा रहे हैं और आपसे केवल एक गुजारिश करके जा रहे हैं, जितना दिया है इस संविधान ने दिया, किसी धर्म ने नहीं दिया, किसी भगवान ने नहीं दिया, हमारा भगवान हमारी प्रकृति है और हमारे लिए कोई अधिकार और किताब है तो भारत का संविधान है। इसलिए एक गुजारिश इस देश के लोगों, दिल्ली वाले साजिश कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, क्या 2024 में आप उनको सत्ता में आने देंगे क्या जो सब भारत के संविधान को बदलना चाह रहे हैं? एक बार जोर से आप बात के बताइए, क्या संविधान बदलने देंगे? क्या संविधान बदलने देंगे उनको? क्या उनको वापस वोट देकर दिल्ली में बैठाएंगे क्या? बाकी किसी को चुन लीजिएगा, उसको मत चुनिएगा जो आपका संविधान को बदलकर आपके बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाने वाला है। इसलिए जाते जाते बस एक बार अबुआ देशो मबुआ राज बिरसा मुंडा का जो अधूरा सपना है कि इस पे हमारा राज होना चाहिए, इसमें जयपाल सिंह मुंडा का जो अधूरा सपना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो अधूरा सपना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो अधूरा सपना है, मामा बालेश्वर दयाल जी का जो अधूरा सपना है, हम मिलकर एकजुट होकर उस सपने को पूरा करने के लिए लड़ेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम जय मंडल।
कल, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।